मधुआ कहानी जयशंकर प्रसाद। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है, सरकार तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वह वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे, लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते, उनको कहानी सुनने का चस्का था, खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को दोपहर में कभी कभी सवेरे भी आता, अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब का मनोविनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना, झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊंगा। 7 दिन चनेच पेने पर बिताए हैं, किस लिए, अद्भुत। 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी, यह भी सरकार। मौज बहार की एक घड़ी, एक लंबे दो खपूर्ण जीवन से अच्छी है, उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है। मैंने, अच्छा सुनिए, सवेरे कुहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था, हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण। 7 दिन से एक बूंद भी गले ना उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था। और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी, उठा हाथ मुंह धोने में जो दो खहुआ, सरकार वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहां पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेंकता भी रहा, फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदे पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आसफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है। सच, अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी, ऐसी निर्दयी दिल्लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए, सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़पन कहते किसे हैं, कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे, चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई सब में बड़ी टीस थी, शाहजादों के दुखड़े, रंगमहल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही तुम्हें आती हैं, पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंगरेलियां, दुखियों की दर्दभरी आहें, रंगमहलों में घुल घुल कर मरने वाली बेग में अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है, मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है, मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता। ठाकुर साहब ऊंघने लगे थे, अंगीठी में कोयला दहक रहा था, शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था, वह हाथ सेंकने लगा,
सहसा नींद से चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो, 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा, तो सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा, तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकाध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहाम धुआ, जा सो रह, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना? शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़े लगी, फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा, आंसू की बूंदे ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह झिड़क कर बोल उठा, अब क्या रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं, कुछ खाया नहीं। इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास, मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया, वह फिर हिचकियां लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेलकर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की रेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गढ़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा, मुझसे रोने से बड़ा बैर है। पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था, 12 आने का 1 देशी अद्धा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं नहीं आलू मटर, अच्छा न सही, 4 आने का मांस ही ले लूंगा, पर यह छोकरा, इसका गढ़ा जो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं, तो क्या ले चलूं, पहले 1 अद्धा तो ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्धा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा, नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपए का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की 5 बालक के सामने सजा दी। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है, सोंधी बास नाक में पहुंची ना, ले खूब,
ठूंस कर खा ले और फिर रोया कि पीटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले दो मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना पाजी न जाने कहां से आ धमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा और देखा उस घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। उसने तिलमिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की। आहरी नियति, तब इसको लेकर मुझे घरबारी बनना पड़ेगा क्या। दुर्भाग्य, जिसे मैंने कभी सोचा भी न था। मेरी इतनी माया मता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है। तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलेगा। नहीं, भगा दूंगा इसे, आंख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे। बालक ने सहज हंसी हंसकर कहाम धुआ, भला हाथ मुंह भी न धो, खाने लगू और जाऊंगा कहां। आ कहां बताऊं इसे कि चला जाए, कह दू कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दू खकी भट्ठी में जलता ही तो रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्ला कर सोचता हुआ निकला, ले पाजी अब यहां लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुंह धोने में लगा, उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहां, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा, वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठीक न जान सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो, उठा ले जाओ अपनी सान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपए किराया देता हूं, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है। ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूं। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर राम जी पास ही अपने घर पर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं। भरपेट खा चुका हूं, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है, चलो फिर सान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा, नहीं तो दो बातें किस्सा खानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था, पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तो कहां जाएगा, कहीं नहीं, यह लो
तो फिर क्या यहां जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूंगा? तब कोई काम करना चाहिए, करेगा जो कहो। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा, यह कल तेरे लिए लाया हूं। चल, आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। कहा, इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना, कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा, बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बैठाए यह हत्या कहां से लगी, अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा, एक गट्ठर का और दूसरा कल का, दो बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप कभी मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी, दोनों कोठरी छोड़ कर चल पड़े।